वेलकम टू रियल स्टेट किंग्स। और आज आप सभी के लिए रियल स्टेट किंग्स एक शानदार सा प्लॉट लेके आया है। सिर्फ प्लॉट नहीं, ये घर बाड़ी कन्वर्टेड प्लॉट है, आप इमीडिएटली घर भी बना सकते हो। बिकॉज जो सारे लैंड सेल हो चुके हैं, हर एक ओनर अभी घर बनाने वाले, और हर एक आदमी ने बी डी अप्रूवल भी डाल दिया, और हर एक जिन्होंने बी डी अप्रूवल डाला है उनका बी डी अप्रूवल अप्रूव भी हो चुका है, और वो बहुत ही जल्दी घर भी बनाने वाले हैं। और ये जो लोकेशन के बारे में बताऊं, ये सुंदरपदा में कंटिलो में ये लोकेटेड है, और इसका जो मऊजा ये कुहा में जाता है, और इसके अपोजिट में भी सेम बिल्डर का प्रोजेक्ट है, उनका भी वो जो पार्ट है वो कंटिलो मऊजा में जाता है और ये कुहा मऊजा में जाता है। सो दोनों का हम चेकआउट करेंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 जितना आप स्क्वायर फीट का लैंड चाहते हो आप परचेस कर सकते हो। पर जो ऑपोजिट में मैं आपको दिखाऊंगा, जिसका बीडीए लेआउट अप्रूवल है, उसमें सिर्फ आपको 1200 मिलेगा। 1200 करके दो दो जॉइंट होके आप 2600 का भी करके ले सकते हो। मैं चाहूंगा दिखाने के लिए वो ऑपोजिट जो आपको जो प्लॉट मिलता है। सो ये है वो एरिया जिसको हम अभी चेकआउट करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं जो कि कुहा मऊजा में जाता है। और इस लोकेशन के बारे में बता देता हूँ, ये पोखरीपुट से आपको 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है, और ये डी ए बी पोखरीपुट से आपको 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है, और सुंदरपदा हाटो से ये 3.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। लिंगराज रेलवे स्टेशन से ये सिर्फ 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको मिलेगा, और लिंगराज टेम्पल से ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है, और एयरपोर्ट से ये 9 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको ये आएगा। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से आपको आना है। एक्चुअली हम अब हमारा सेंटर पॉइंट जो है पोखरीपुट को मानते हैं, और पोखरीपुट से मैं आपको टोटल रोड दिखाता हूँ कि किस रोड के माध्यम से आपको इस लोकेशन में आना है। सो अभी हम पोखरीपुट में हैं, और ये हमारा प्राइम लोकेशन होगा। इधर से ही हम हमारा जो जर्नी है टू सुंदरपदा कंटिलो, हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये जो हमारा पोखरीपुट का जो चौक है, पोखरीपुट चौक, और वहीं से हम निकल रहे हैं अभी, और अभी हम चलते हैं सुंदरपदा की ओर। और ये है पोखरीपुट ओवरब्रिज, और इसी पोखरीपुट ओवरब्रिज से हमारा जो लोकेशन है वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको मिलेगा। सो चलिए। अभी हम पहुंच गए सुंदरपदा हाटो में, और यहां से हमारा लोकेशन अप्रॉक्सिमेटली 3.5 किलोमीटर के आसपास होगा। आप देख सकते हैं ये है सुंदरपदा हाटो। ये है सुंदरपदा हाटो, यहां से अभी हमें और 3.5 किलोमीटर जाना है। अभी रोड थोड़ा नैरो है, पर फ्यूचर में मतलब अभी तो 200 फीट का ये रोड होने वाला है, और जटनी के ओर से सब जो दुकान घर ये सब तोड़ना शुरू हो गया है। सो बहुत जल्दी रास्ते का काम भी शुरू हो जाएगा, हो चुका है। और ये है हमारा चंपति पेट्रोल पंप। तो अभी चंपति पेट्रोल पंप से हमारा जो लोकेशन होगा वो 3 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा।
पहुंच गए हैं। ये है हाईटेक प्लाजा का जो चौक होता है, हाईटेक प्लाजा, और दिखाता हूँ मैं आपको। लेफ्ट में आपका हाईटेक प्लाजा आएगा और ये हाईटेक प्लाजा का रोड है, और यहीं से जब आप लेफ्ट जाते हैं देन आप हाईटेक प्लाजा, इसी गली में आपको हाईटेक प्लाजा मिलेगा। सो हाईटेक प्लाजा से हमारा जो लोकेशन है सिर्फ और 300-400 मीटर की दूरी पे है, और हम बहुत जल्दी अभी पहुंचने भी वाले होंगे। अभी हम पहुंच गए हैं, और आप जो अभी देख रहे हैं ये है कंटिलो पेट्रोल पंप जो कि भारत पेट्रोलियम का है, और इधर से ही हम राइट में जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं राइट, अभी हम राइट टर्न लेंगे यहाँ से। ये सैंड है, सैंड फिलिंग के लिए रखा गया, और 4 फीट का ये सैंड फिलिंग करके देते हैं, और 4 फीट के सैंड फिलिंग के बाद उधर से ही वो क्या करते हैं 4 फीट का बाउंड्री, कंक्रीट बाउंड्री उठाते हैं, और ये आपको विथ पिलर आपको 6 पिलर मिल रहे हैं। मतलब लैंड को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करके आपको ये दिया जाता है, और अगर आप फ्यूचर में जब घर भी बनाएंगे, ये इनका भी खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत ही शानदार घर बनाते हैं। आपको सिर्फ एक सैम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको, आइए इधर आप देख सकते हैं ये वाला जो घर देख सकते हैं, ये डुप्लेक्स देखिए और ये डुप्लेक्स, मतलब ये घर देखिए, इनका जितना विंडो है उनका इधर उतना प्लिंथ लेवल होगा, ठीक है, उनका उतना ही प्लिंथ लेवल है। मतलब ये मेन रोड को टारगेट करके, मेन रोड के साथ पैरेलल करके इन्होंने ये प्रोजेक्ट करके मतलब घर बना के आपको देते हैं। सो आइए अभी हम जहाँ पर अभी प्लॉट अवेलेबल है उसको हम चेकआउट करते हैं, और ये सब देख सकते हैं जो सब सैंड गिरा हुआ है, ये सारे लैंड डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। आप आइए मैं आपको थोड़ा सा सैंपल देता हूँ कि एक्चुअली लैंड डेवलपमेंट करते हैं या फिर ऐसे ऐसे बोलते हैं, बहुत लोगों का डाउट रहता है। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सो आइए हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। अभी जो सैंड था सब इधर डाल दिया गया, बिकॉज ये सारा जो प्लॉट है अभी सोल्ड आउट हो गया है। सो इसको वो अभी डेवलपमेंट चल रहा है, इसी एरिया का डेवलपमेंट चल रहा है। आप जो देख रहे हैं जो बाउंड्री है, जितना तक आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रहा है, मैं आपको टोटल लेके दिखाता हूँ। ये टोटल जहाँ तक बाउंड्री गया है उधर तक, उतने हाइट तक इसी लैंड को फिल किया जाएगा, ठीक है। फिल करने के बाद वो 4 फीट का आपको बाउंड्री करके देंगे, कंक्रीट बाउंड्री, ऐसे करके इस एरिया को वो डेवलप करेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, आपको अगर भरोसा भी नहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं लैंड डेवलपमेंट के लिए मिट्टी को यूज़ किया जा रहा है। मुझे बताइए कहाँ पर ऐसा होता है, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जितना डेवलपमेंट यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। सो अभी हम बात करते हैं कि कहाँ पर लैंड अवेलेबल है। सो अभी देखिए मैंने आपको दिखा दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसा आपको लैंड मिल रहा है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि कहाँ पर आप लैंड खरीद सकते हैं। ये जो ओनर है, जो लैंड का, लैंड के जो ओनर है, आप जो देख रहे हो उधर एक सीधा एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, स्ट्रेट जो एक पेड़ है वहाँ तक उनका एरिया है, वहाँ तक वो आपको प्लॉटिंग करके देंगे। उसके बीच में 1 एकड़ के एरिया में वो एक ओपन स्पेस रखें, जहाँ पर वो 1-2 मंदिर बनाएंगे, एक ओपन बैडमिंटन कोर्ट होगा और एक छोटा सा पार्क होगा, उसके लिए उन्होंने ओपन स्पेस रखा है। उसके बाद आपको प्लॉटिंग मिल रहा होगा, और इसका जो डेवलपमेंट है ये एक बार डेवलपमेंट ख़त्म हो गया तो 1-2 महीने के अंदर उसका भी डेवलपमेंट कर देंगे, और इसका जो पेपर है पूरा क्लीन है, बिकॉज ये लैंड में लीज रख के नहीं लेते, ये टोटल अपने नाम में रजिस्टर करते, अपने नाम में निकालते, और इन्होंने अपने नाम से एक पट्टा भी निकाला है, मैं आपको दिखा दूंगा ओपन करके भी। हर एक चीज़ों का पेपर मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आपके सिक्योरिटी के लिए आप जाके लीगल वेरिफिकेशन भी करवा के ले सकते हैं, अपने नाम से EC ला के भी आप करवा सकते हैं। और जो लैंड है बहुत पूरा क्लीन है, इसमें कुछ लिटिगेशन, 0 लिटिगेशन है इसमें, बिकॉज आप लीगल वेरिफिकेशन करवा के देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक आपको लैंड मिल जाएगा, टोटल इधर से टोटल 50 प्लॉट या फिर 60-70 प्लॉट यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद
वो सारा जो है वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग आपको मिल रहा होगा। इधर मतलब आपका शायद ये वाला ईस्ट फेसिंग है, ये वाला वेस्ट फेसिंग है, ये वाला नॉर्थ फेसिंग है और ये वाला साउथ फेसिंग है। सो उधर आपको ईस्ट वेस्ट फेसिंग का प्लॉट मिल रहा होगा। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, उनका इस तरफ भी प्रोजेक्ट है, मतलब इस बाउंड्री के बाद वहाँ पर जहाँ पर आप पेड़ देख रहे हो पूरा उन्होंने खुद एक्वायर कर लिया है। अभी देखिए इस तरफ का जो सारे प्लॉट है वो भी इनके नाम पे ही है, ठीक है, वो भी आप उसे ले सकते हैं। और वो आई थिंक वो भी शायद ईस्ट वेस्ट फेसिंग और एक दो नॉर्थ फेसिंग का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके उधर भी प्लॉट अवेलेबल है। और प्लॉट का सबसे खासियत मैं बार बार हर एक इंसान को बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ द लैंड डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल 30-foot रोड और जो मेन रोड जो है वो 60-foot का रोड, उसके साथ जब आप लैंड खरीदते हो आपको क्या करके दिया जाता है, एक नॉर्मल से पत्थर में छोटा सा बाउंड्री, पर ये आपको 4 feet का सैंड फिलिंग करके देंगे, उसके बाद 4 feet का आपको बाउंड्री करके देंगे, जितना फिलिंग होगा उधर से 4 feet का बाउंड्री, उसके साथ हर एक कॉर्नर से आपको 4 feet के नीचे से पिलर उठा के दिया जाएगा और लैंड को डेवलप किया जाएगा। मुझे बताइए कहाँ पर ऐसा मिलता है। और उसके साथ 20-foot का रोड नहीं है, 30-foot का रोड। और प्राइस के ऊपर अभी हम आते हैं, प्राइस इसका यार बहुत ही कम है, आपको लग सकता है थोड़ा ज़्यादा पर मैं बोलूँगा कम है, ठीक है, नेगोशिएबल है। इसका प्राइस है 1750 पर स्क्वायर फिट, 1750 पर स्क्वायर फिट का आपको यहाँ पर प्राइस मिल रहा होगा। आप 1500 का ले सकते हैं, 1200 का, 200, 2000 का, 3000 का, 1750 का प्राइस है, फाइनल प्राइस नहीं, नेगोशिएबल है। आप आइए लैंड देखिए साइट विजिट के लिए, रियल एस्टेट किंग्स आप सभी को लेके आएगा, जो भी आना चाहते हैं साइट विजिट, साइट देखिए, उसका लेके आपको डायरेक्ट मैं ऑफिस में बिठा दूंगा और ऑफिस में आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं बिल्डर के साथ और आप नेगोशिएट करवा सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं, घर भी आपका बहुत ही कम प्राइस में, मैंने जितना डुप्लेक्स देखा है बहुत ही कम प्राइस में आपको ये डुप्लेक्स भी करके दे देंगे विथ पूरा फिनिशिंग, ठीक है। सो बस अभी इसका हम ओवरव्यू ले लिए हैं, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर जब फ्यूचर में जब ये 1-2 महीने के बाद डेवलप हो जाएगा फिर से हम आएंगे और एक वीडियो बनाएंगे। पर आप तुरंत बुकिंग करिए, अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तुरंत आपको बुकिंग करना होगा, बिकॉज लैंड बहुत ही मतलब ख़त्म हो रहे हैं, सो तुरंत बुकिंग करिए। अभी हम चलते हैं, अगर आपको थोड़ा कम लैंड चाहिए 1200 स्क्वायर फिट का, जो कि सिर्फ उस तरफ सिर्फ दो ही अवेलेबल है, एक छोटा सा कम्युनिटी है, ये एक बड़ा कम्युनिटी हो थोड़ा छोटा सा कम्युनिटी है जिसमें 1200 का है, मतलब टोटल 2400 का है, आप 1200 भी ले सकते हैं, 2400 का भी ले सकते हैं। और उसमें आपको BDA लेआउट अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा, इसमें भी है, पर और जो आगे जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें BDA लेआउट अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ज़रूरत नहीं है। तब भी वो जितना लैंड चाहिए जितना रोड चाहिए वो छोड़ रहे हैं, 30 feet का रोड, उसके बाद आपका ओपन स्पेस जितना छोड़ना चाहिए, फ्यूचर में BDA अप्रूवल लेने में बहुत ही ईजी होगा। सो अभी हम चलते हैं उस प्रोजेक्ट की ओर, उधर हम थोड़ा 1200 स्क्वायर फिट का लैंड का छोटा सा हम ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे। सो अभी हमने देख लिया जो 1500 प्लस स्क्वायर फिट वहाँ पर भी 1200 मिल सकता है, पर एक छोटा सा अगर आपको कम्युनिटी चाहिए, सो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये भी उन्हीं सेम बिल्डर का है, इसको हम थोड़ा चेकआउट करते हैं। ये आपको टोटल 1200 का स्क्वायर फिट आपको मिल रहा होगा, ये जो प्लॉट है इसमें, और इसका ये जो मौजा, ये कुहा मौजा में, और ये सारा सेल आउट हो गया, सारा सेल आउट हो गया, और ये सब BDA लेआउट अप्रूवल है सारा प्लॉट का, और जो घर भी बन रहा है ये BDA अप्रूवल का घर बन रहा है। और अभी हम जो 1200 स्क्वायर फिट का जो लैंड देखेंगे, ये एक्चुअली इंटरनल 30-foot का रोड है, पर इधर से जब आप जाते हो ये एक्चुअली एक इंटरनल रोड 30 feet का प्लस 20 feet का इंटरनल रोड है, मतलब आप जो प्लॉट जो कि नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है जहाँ पर आप देख रहे हो ईंटें हैं, ईंटें जहाँ पर है वहीं पर आपको प्लॉट मिलेगा। सर आपको लेआउट में अगर आप ऑफिस में आएंगे तो आपको मैं लेआउट हम टोटल मिला के आपको दिखा देंगे कि लेआउट कैसा है, पर बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस लोकेशन में आपको टोटल इधर 2 plots भी मिलेगा, बिकॉज हो सकता है लोग बोलेंगे वो थोड़ा अंदर हो जा रहा है, सो इधर भी एक लोकेशन में आप ले सकते हैं, छोटा सा कम्युनिटी है जहाँ पर बाउंड्री है, छोटा सा कम्युनिटी है जहाँ पर आप टोटल 1200 के भी ले सकते हैं और 2400 स्क्वायर फिट का भी आप ले सकते हैं। प्राइस वही सेम है, 1750 पर स्क्वायर फिट, नेगोशिएबल है, आप आइए देखिए।